नमस्कार, मैं आकाश पाल एक बार फिर आप सभी के बीच में आ गए हैं हम लोग। और आज हमें आलमबाग से खाना मिला है, सरप्लस फूड है। इसमें देख सकते हैं आप, मीठा है, काला जाम है, सब्जी है, पापड़ है, पूड़ियाँ है, चावल है, खीर है। तो अलग अलग तरीके से जो है हमारे हमको जो है आज खाना मिला है, साथ में प्लेट्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके के चार कंटेनर हमारे दूसरी जगह के गए हैं यहाँ पे, यहाँ से अभी ये आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा एक ये मोटिव रहता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें खाना मिलता है, जिस तरीके से हमें सरप्लस फूड मिलता है, उसको हम जो है आप जो भी ज़रूरतमंद है उन तक जो है इसको बहुत ही आराम से जितना हम कर सकते हैं उस तरीके से उसको हम पहुंचा सकें ज़रूरतमंदों तक। हमारा ये मोटिव रहता है कि चाहे वो इंसान हो, भैया सब लोग लाइन लगा लो, थोड़ा दूरी दूरी बनाओ, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक कोई जानवर हो, हमारे तो दोनों एक समान है। वो हम दोनों को ही कहीं ना कहीं एक ही नज़रिए से देखते हैं। हम एक बेजुबान को भी खाना खिलाते हैं, बेजुबान की भी सहायता करते हैं, बेजुबान को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अच्छे उस तरीके से देखते हैं, हर तरीके से उसकी सहायता करते हैं, ट्रीटमेंट करता हूँ मैं। और चाहे जब हम लोग इंसानों की बात करते हो, कहीं ना कहीं इंसानों में बहुत ज़रूरतमंद हैं आज के सोसाइटी में, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोगों को आप देख रहे हैं अभी तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ से लेके खाना जा चुके हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोगों को अभी आना है उधर से। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने यहाँ पे ये चीज़ देखा है कि लोग बिना खाना खाए सो जाते हैं। और जब हम लोग रात में पहुँचते हैं यहाँ पे खाना लेके, हम लोग दो दो बजे रात में हम लोग ने यहाँ पे खाना बांटा है इस जगह पे। इस टाइम पे मैं बता दूँ हम लोग हैं कहाँ पे, हम लोग कानपुर रोड नहर पे इस टाइम पे खड़े हैं, और ये पकरी पुल वाली रोड जाती है आपकी। यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ देखा है कि लोगों को जो खाना बांटने आते हैं कभी कभी रात में हम लोग, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जब पता चलता है खाना है तो इस तरीके से भागते आते हैं, अगर उनको पता नहीं कितने टाइम से बेचारों को खाना नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि भूख एक बहुत ही एक बोला जाए तो बहुत ही बेकार ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी हो इंसान को दो वक्त की रोटी ज़रूर मिलनी चाहिए। आप बेजुबानों को देख सकते हैं, बेजुबान भी उसी तरीके से हैं, इनके लिए कोई नहीं करता है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ करना है वो हम ही लोगों को करना है, हमको और आपको करना है। तो बस हमारा यही एक मोटिव रहता है, जिस भी तरीके से हो हम लोगों की मदद करें। देख सकते हैं आप, पनीर की सब्जी है, दाल है, ये वो क्या है, ये खीर है, पापड़ है, सूखी सब्जी है, चावल है, वो आप काला जाम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है थोड़ा आगे, हाँ अभी आगे बहुत लोग हैं उधर, इसको सब ऐसे रख लो। कहीं पे भी आप लोग कहीं पे भी खाना देखें, खाना किसी भी तरीके से हो वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सी जगह जो है पार्टी से इवेंट्स में देखा है, लोग खाना इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं खाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं खाने को उस तरीके से खा नहीं पाते। वो करते क्या है, एट द एंड वो होता क्या है, वो खाना जाके कूड़े में चला जाता है, ना उसको कोई जानवर खा पाता, ना ही वो किसी इंसान के खाने लायक होता है। तो मेरा आप सबसे यही एक अनुरोध है कि खाने को जितना आपको खाना हो उतना ही खाना लें, खाने को बर्बाद ना करें। खाना हो गया, पानी हो गया, बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ें हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक बेजुबान के लिए। तो जिस तरीके से भी हो खाने को बर्बाद ना करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोगों की मदद करें। और जहाँ तक कि खाने की बात है, तो खाने को बर्बाद ना करके खाने को हम आप खुद उसको जो है दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई माध्यम नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वो खाना लेके यहाँ पर ज़रूरतमंदों तक उसको जो है पहुँचाएँगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब यहाँ पे इसको लाइव मैं बंद करना चाहूँगा। चलिए, गुड नाइट सभी को।